कहाँ थे? जनता दरबार में थे? योगी जनता दरबार में था। कहाँ पे? लखनऊ, योगी जी के। पुलिस मारेगी मार खाएंगे, जी जी, दौड़ाएगी दौड़ेंगे, लूटेगी इनके ऊपर लूट खसोट का मुकदमा डालेंगे हम भी। मुख्यमंत्री के फरमान के बाद भी ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां गरीबों के मकान पर बुलडोजर चल रहा है और लोग सड़क पर आ गए। ये तस्वीर बरेली की है, जहां अपना आशियाना बर्बाद होते देख इन बुजुर्गों का दर्द भी बयां हो गया। गुरुवार को बरेली जिले में बुलडोजर से कार्रवाई की गई, लेकिन इस कार्रवाई के बाद किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती ने प्रशासन और बीडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो भारी संख्या में ग्रामीणों और किन्नरों के साथ डीएम गेट पर ही बिस्तर लगाकर धरने पर बैठ गई। उनके साथ बैठे बुजुर्गों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जब आपने अधिग्रहण की तो आपने रोका क्यों नहीं? जब आपकी जमीन थी तो आपने हमें क्यों नहीं रोका? हमारे लिए बुनियाद बढ़ते समय आपने क्यों नहीं हटाया? जब हमारे 20 साल से रहते किस जगह चले जाओ? रो तो सही, किस जगह जा? धरने पर बैठे पीड़ितों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि बाबा के बुलडोजर के चलते उनके साथ उनके बच्चे भी सड़क पर आ गए, उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। बुजुर्गों का कहना था कि वो जब योगी दरबार में थे तब उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। कहाँ थे? जनता दरबार में थे? योगी जनता दरबार में था। कहाँ पे? लखनऊ, योगी जी के। मेरे घर को तोड़ दिया गया, 9 तारीख को मेरे घर जमींदोज कर दिए। मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ क्या? मुझे इस देश में रहने का क्या हक नहीं है? हमने बीजेपी को वोट दिया है, हम कहाँ जाए? हमें ये बताओ, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं इस तरफती धूप में। वो जोगिंदर सिंह स्वयं तो एक दिन रह के देख ले हमारा क्या हाल है। हम कहाँ जाए? बरसात आती है हम भीग रहे हैं, आधी आती है हम दूर खा रहे हैं। बताओ। वहीं किन्नर सोनम ने कहा कि चाहे उन्हें जेल हो जाए या उन पर लाठी चल जाए, लेकिन न्याय होकर रहेगा। कोई नहीं मारेगा। सुन लो, मेरा आदेश को सुन लीजिए आप लोग। जी जी। पुलिस मारेगी मार खाएंगे, जी जी, दौड़ाएगी दौड़ेंगे, लूटेगी इनके ऊपर लूट खसोट का मुकदमा डालेंगे हम भी, एक एक बलात्कार का मुकदमा डालेंगे, छेड़खानी का डालेंगे। हमारा भी लाइट है ना, यहाँ उन्होंने आगे कहा कि मैं पद से हटने को भी तैयार हूँ, लेकिन मैं जनता और अपने किन्नरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूंगी। 5000 लोग के मकान हैं और हमारे 50-60 किन्नर भी हैं और बहुत परेशानी है। 30-30, 40-40 साल से लोग रह रहे हैं। उस समय शासन कहाँ थे? तो उसमें सब में लिखा हुआ। अब ये जो ये 2 साल से बीसी जी ने क्या काम किए क्या नहीं किए हमें नहीं मालूम। ये कहते हैं जमीन अब हम लोगों की, आप सब खाली करिए, पहले इनको कहीं बसा के तभी तो कोई इनके लिए भी तो कोई सजूसन निकलेगा सरकार द्वारा। पर जनता की लड़ाई के लिए मैं कंधे से कंधे मिला के और हमारे किन्नर समाज के लिए, क्योंकि किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन हुआ किन्नरों के संरक्षण के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया तो मैं किन्नर के लिए आई हूँ। सीएम योगी ने ये पहले ही कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई अवैध जमीनों और भू माफियाओं के खिलाफ ही होगी, लेकिन किसी गरीब के यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। बावजूद इसके बरेली से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं।